So good morning class. Today we will start our new topic that is properties of addition. Addition की mainly three properties होती हैं, जिसमें से हमारी सबसे first property है zero property of addition. देखिए इसमें अगर हम कोई number लेते हैं 316 और उसमें हम zero add करें तो हमारे पास जो answer आएगा वो क्या होगा 316. Same ऐसे ही अगर हम किसी number में 316 को plus करेंगे किसी जीरो को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो 316 ही होगा. सो आपने क्या देखा कि हम अगर जीरो और किसी भी नंबर का एडिशन करें तो हमेशा वही नंबर आता है. एंड दिस इज योर जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे, जो कि है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 182 प्लस 316. 182 को हम 316 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 498. अब अगर हम 182 और 316 का ऑर्डर रिवर्स कर दें कि अब हम 316 पहले लिखेंगे एंड 182 बाद में लिखेंगे, हमने इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, लेकिन अगेन हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम 498 ही होगा. इससे क्या पता चलता है कि 182 प्लस 316 इज इक्वल्स टू 316 प्लस 182, मीनिंग कि इनका ऑर्डर चेंज करने से इनके सम पे कोई भी चेंज नहीं आता. सो दैट वी कैन से एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मीन्स कि ऑर्डर चेंज करने के वजह से कभी भी सम में चेंज नहीं आएगा. द चेंज इन द ऑर्डर डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द सम. नाउ लेट्स डू द थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, लेट सपोज वी विल टेक थ्री नंबर्स 20, 30 एंड 50 एंड लेट्स ऐड दीज नंबर. बट फर्स्ट लेट सपोज वी विल मेक ग्रुप्स, हम इनके ग्रुप्स बना देते हैं. हमने 20 और 30 को ब्रैकेट में डाला है. अब हमेशा ब्रैकेट वाले नंबर्स पहले सॉल्व होते हैं, तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमें मिलेगा 20 प्लस 30 इज 50 एंड 50 प्लस 50 इज 100. हमारा आंसर आया 100. अब हम सेम नंबर्स लेंगे लेकिन उनकी ग्रुपिंग चेंज कर देंगे. अब हमने ग्रुप बनाया 30 एंड 50 का. अब देखिए यहाँ पर ग्रुप था 20 एंड 30 का और यहाँ ग्रुप है 30 एंड 50 का. अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 30 प्लस 50 इज 80 एंड अब 20 को अगर हम 80 के साथ प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिला 100. देखिए सेम आंसर, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, जबकि हमने यहाँ दोनों की तरफ ग्रुपिंग चेंज करी थी. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि चेंजिंग द ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम. एडिशन के अंदर हम चाहे तीन नंबर्स का एडिशन करें या फिर थ्री से ज्यादा नंबर्स का एडिशन करें, अगर उनकी ग्रुपिंग करते हैं तो उनके सम में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा. चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द सम. तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन.